अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तारिक नियाज़ी। फरहत ओल्डू भाई, शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपकी होस्ट दिवांशी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल लाहौर वर्सेज न्यू दिल्ली, फुल कंपैरिजन। पुरानी वीडियो थोड़ी सी, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सारी वीडियो पुरानी जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नी वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहां पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी पीपीपी लगभग 370 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास।
अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। जी जनाब, अक्सर हम बचपन से काफ़ी टाइम से स्कूलों से ये सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली और लाहौर एक जैसा है, दिल्ली और लाहौर जुड़वा शहर जैसे हैं, और काफ़ी जो ओल्ड लाहौर है और ओल्ड दिल्ली है तो वहाँ अक्सर एक ही तरह की चीज़ें हैं। और एक बड़ी यूनिक किस्म की बात है कि दिल्ली में लाहौरी गेट है और लाहौर में दिल्ली गेट है। वेरी गुड। और उसी तरह की मतलब है कि बिल्डिंगें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस तरह का है, लेकिन दिल्ली जो डेवलप हुआ है और नया देखिए, शहर तो एक होता है उसके बाद शहर बढ़ता है, तो जो आजकल जो शहर बढ़ता जा रहा है तो वो एक नए तरीके से बढ़ता है। बिल्डिंगें बनती हैं, बैंगलोज होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन ओल्ड एरिया जो होता है ना, जो पुरानी गलियाँ कूचे होते हैं पुराने दौर के हिसाब से, वो दिल्ली के और लाहौर के काफ़ी मिलते हैं। और दिल्ली और लाहौर बहुत ही हिस्टोरिकल शहर हैं, जो मैंने जहाँ तक सुना है कि मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब है कि अंग्रेज़ों के दौर से, उससे पहले मुगलिया दौर से भी, मतलब ये शहर एक नाम है। और जब बंटवारा हुआ था तो कह रहे थे कि लाहौर भी इंडिया के पास ही जा रहा था, लेकिन कैलकुलेशन की गई कि पाकिस्तान के पास तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। अगर लाहौर जैसा बड़ा शहर भी इंडिया के पास चला गया तो सारे शहर इंडिया के पास ही जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा हिस्टोरिकल या पुराना जो शहर है, क्योंकि कराची भी बाद में बड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, है ना। कराची भी कोई इतना बड़ा, कराची तो बाद में हुआ, तो पाकिस्तान का जब वो सेपरेशन हो गया था उसके बाद इसका जो है ना। हाँ बिल्कुल। तो यही है कि लाहौर ही एक शहर था जो बड़ा शहर था, बंटवारे के टाइम पे हमारे पास आया, बाकी शहरों की आबादियाँ और डेवलपमेंट तो बाद में हुई। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और छोटी सी वीडियो थी, लेकिन काफ़ी कुछ पे पता चला। और दिल्ली में अक्सर हमारे माइग्रेट जो करके लोग आए हैं, तो मुझे अक्सर मैं लोगों के मुँह से सुनता हूँ कि हम दिल्ली से हैं, तो ऐसा मतलब अक्सर हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तानी जैसे हम दिल्ली वाले भी होते हैं, तो दिल्ली वाले मुझे, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा था कि दिल्ली में मुस्लिम की आबादी 10-12% तो होगी, तो इत्तफाक से वही दिल्ली कास्ट है, दिल्ली हैदराबादी है, दिल्ली वाले तो काफ़ी माइग्रेशन भी दिल्ली से, काफ़ी हैदराबादी दिल्ली, काफ़ी दिल्ली से आए हुए, आगरा से बहुत लोग, आगरा से लोग। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये जो आप कह रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ सदर बाज़ार है, तो ऐसे ही बम्बई में भी सदर बाज़ार है। अच्छा। हाँ, लाहौर की जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सेम चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ हमारे कराची में लाहौर में है, तो सेम ऐसे ही बिल्कुल इंडिया में भी, क्योंकि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ ना अक्सर, तो मुझे देखा था मैंने एक दफ़ा व्लॉग में देखा था, तो वो सदर बाज़ार गई, मैंने कहा ये सदर बाज़ार हमारे अपने सदर बाज़ार आई है क्या? अच्छा, अंग्रेज़ों ने सेम नाम रखे थे, है ना, अंग्रेजों ने, जैसे एम्प्रेस मार्केट है, अच्छा मरी में एक है माल रोड, तो शिमला में भी माल रोड है, इस तरह से चीजें हैं, तो क्या कंपैरिजन, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। मेरा मकसद है कि जैसे दिल्ली का है, उसके अंदर जो है जो भी पुराने जो यानी मुगलों के दौर की जो चीज़ें हैं वो लाहौर में भी हैं, शाही किला है, और वो जो है जो अपना क्या नाम है, वो जो बाग था, जो शालामार बाग, शालीमार बाग वगैरह जो भी था, और उसके बाद ये यानी मिलते जुलते बनाने वाले एक थे। हाँ, क्योंकि मुगल जो थे उस उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जो है उस तरीके से, और इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी की भी बहुत ज़्यादा, यानी इवन कराची के अंदर भी बहुत सी, खैर वो छोड़ के चले गए, लेकिन ये कि इनका भी एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके तहत दोनों जगह पर जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है मुसलमानों की और हिंदुओं की यादगारें वहाँ मौजूद हैं, और तमाम चीज़ें जैसे, तो बाकी अब ये कि तरक्की का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पर ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो मौजूदा दौर के लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही है वो दिल्ली में ज़्यादा है, शायद लाहौर में तो इतना ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अगर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई भी है तो वो मेरे जो सुनने में आता है लाहौर,
यानी कहीं लाहौर से जो लोग लाहौर में बहुत ज्यादा हुई है, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में जहाँ कराची के मुकाबले करे यानी और जगहों के मुकाबले में हाँ वो ये कि उसमें जैसे रेलवे स्टेशन की बड़ी तारीफ सुनता हूँ वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से उसके अंदर तमाम चीजें मैंने सुना है। कई लोग आते हैं तो कहते हैं यार रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बन गया। अब जैसे सबसे बड़ी मिसाल मेट्रो की जी जी यानी पूरे पाकिस्तान में मेट्रो नहीं है इतना बड़ा लाहौर में है तो ये कि सुनने में आता है कि अगर थोड़ी डेवलपमेंट सफाई रोडें सड़कें वीडियो में भी हमने देखा बड़ा अच्छा लग रहा बहुत अच्छा था। तो लाहौर गई आप? नहीं मैं लाहौर नहीं गई, लाहौर से आगे गई हूँ लाहौर नहीं गई। अच्छा जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा अच्छा बोल भी दिया कि ये मिसाल अब पुरानी हो गई। और कराची जिन्होंने देखा इसका नहीं आता मरिया ही नहीं। आपने लाहौर देखा? कबूतर सुना था वहाँ पेशावर में एक पर से उड़ता है एक पर से दिखाते हैं उसको ये देखो एक पर से कबूतर उड़ रहा है देखा नहीं मैंने सुना उसका नहीं नहीं मैंने मैं तो मजाक समझ रहा हूँ ये रियल है क्या चलो बताएंगे बात ऑफ कैमरा बात है आफ्टर कैमरा समझ गया आफ्टर कैमरा पेशावर में कोई चीज गिर जाए तो झुक के उठानी भी नहीं चाहिए जी जी हाँ वही वही उसी वजह से वो पेशावर में कबूतर जो है एक पर से तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।